स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो सुनहरा अवसर है अभ्यर्थियों को जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर में नौकरी करना चाहते हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर के पद पर। तो कई जिलों में निकली है आईटीआई अनुदेशक की भर्ती। तो कौन सी भर्ती आई हुई है आईटीआई अनुदेशक की, वेतन कितना है आपका, तो 23,600 रुपये आपको मिलेंगे। अंतिम तिथि बहुत ही नज़दीक। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जो आईटीआई अनुदेशक की भर्ती आई है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश सरकार का जो रोज़गार पोर्टल है और यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है वो किसके थ्रू आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटसोर्सिंग से ये नौकरी आई हुई है जो कि आईटीआई अनुदेशक की है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कहाँ कहाँ पर ये आई हुई है, अंतिम तिथि क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईटी वर्ल्ड इंस्ट्रक्टर और यहाँ पे जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक सीटीआई और विभाग आपका व्यावसायिक शिक्षा। और कौन से जनपद में वैकेंसी आई हुई है, तो अयोध्या और बाराबंकी। और अगर हम पोस्ट की बात करें इसमें कितनी पोस्ट हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पहले बताया इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और सीटीआई होना चाहिए उसके इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से। उसके बाद यहाँ पर नंबर आप पोस्ट की अगर बात करें तो टोटल दो हैं, जो एक आपकी ओबीसी की एक सीट है और एससी की एक सीट है। और अगर एज की बात करें तो 40 वर्ष व एससी एसटी ओबीसी वर्ग ही, तो अधिकतम आयु सीमा में उत्तर प्रदेश शासन के अंदर जो छूट दी जा रही है वो। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉग्नाइज इंजीनियरिंग कॉलेज 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ द रिलेवेंट फील्ड और 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ये सारी आप चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद अगर वेतन की बात करें तो यहाँ पर आप वेतन देख सकते हैं, वेतन प्रतिमाह 23,600 रुपये। उसके बाद अभी तक जो आवेदन प्राप्त हुए हैं वो है 14, अभी तक इसमें 14 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। और यहाँ पर अगर अंतिम तिथि की बात करें तो 20 जुलाई अंतिम तिथि है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज ही इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो है आपका आईटीआई इंस्ट्रक्टर की ही आई हुई है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग सीटीआई के लिए है। और ये किस जिले में आई हुई, तो ये अयोध्या में है, इसकी भी तिथि आज ही है 20 जुलाई। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर एससी की एक पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है आपकी सिविल इंजीनियरिंग सीटीआई और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है आपका व्यावसायिक शिक्षा जनपद अयोध्या। उसके बाद यहाँ पर भी 23,600 रुपये है। उसके बाद अभी तक जो आवेदन प्राप्त हुए हैं वो 15 प्राप्त हुए हैं। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं अगला जो है किसका कहाँ पर आई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला जो ट्रेड है वो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस सीटीआई और यहाँ पर जो जिला है वो अंबेडकर नगर में है। तो इसकी भी आपकी आज ही अंतिम तिथि है। और जो वेतन है आपका तो सेम वही वेतन है आपका 23,600 रुपये। उसके बाद जो अगली आईटी इंस्ट्रक्टर है वहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं आईटी लैब टेक्नीशियन की है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल पोस्ट कितनी है, तो 4 पोस्ट हैं अयोध्या बाराबंकी और अमेठी से भर्ती आई हुई है। 4 पोस्ट में एक अनरिजर्वड है, एक ओबीसी की है, एक एससी की है और एक एडब्ल्यूएस की है। तो टोटल 4 पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें इसके वेतन की, तो वेतन वही 23,600 रुपये। उसके बाद अगला जो है वो आपका जो इंस्ट्रक्टर की है वो है मैकेनिस्ट सीटीआई और ये किस जनपद से आई हुई है, तो बाराबंकी में है ये। और एक एससी वालों के लिए एक पोस्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेतन है वो दिया ही हुआ है और अब तक आवेदन जो प्राप्त हुए हैं वो 9 आवेदन अब तक प्राप्त हो चुके हैं। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं मैकेनिक, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर सीटीआई और यहाँ पर जो आपका जिला है किस जिले में वैकेंसी है, तो ये अयोध्या बाराबंकी अम्बेडकर नगर और अमेठी में। और यहाँ पर अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो 5 टोटल पोस्ट है, एक अनरिजर्व कैटेगरी, 2 ओबीसी, एक एससी और एक ईडब्ल्यूएस। तो इस तरीके से आज ही इसकी आवेदन की अंतिम तिथि है और ये आपका आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती है। उसके बाद अगर देखें तो मैकेनिकल व्हीकल सीटीआई ये आपका सुल्तानपुर ज़िले में आई हुई है और यहाँ पर भी अंतिम तिथि आप 20 जुलाई देख सकते हैं। और टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो एक पोस्ट है वो भी ईडब्ल्यूएस के लिए है यहाँ पर, तो सुल्तानपुर में ये जो मैकेनिकल व्हीकल सीटीआई के लिए भर्ती आई हुई है। वेतन आपका 23,600 रुपये ही है और अब तक अगर आवेदन की बात करें तो 11 आवेदन अब तक प्राप्त हो चुके हैं इसमें। उसके बाद अगला देख लेते हैं, तो आईटी वर्ल्ड इंस्ट्रक्टर प्लम्बर सीटीआई के लिए है और ये आपका आया हुआ है बाराबंकी अम्बेडकर नगर से। और टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 4 टोटल पोस्ट हैं, एक अनरिजर्व है, 2 ओबीसी हैं, एक एससी है। तो 4 पोस्ट हैं यहाँ पर टोटल और आपका जो वेतन है तो सेम वही है और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं।
उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद आपका आईटी वर्ड इंस्ट्रक्टर आरएससी सीटीआई की है और ये अयोध्या बाराबंकी और अम्बेडकर नगर अमेठी में आई हुई है। और एक पोस्ट है आपकी ओबीसी, दो पोस्ट हैं इसमें, सॉरी फाइव पांच पोस्ट हैं, एक अनरिजर्व, एक ओबीसी, दो एससी और एडब्ल्यूएस, एक टोटल पांच पोस्ट हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 23,600 रुपये आपका जो है वेतन रहेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 27 टोटल अभी तक आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये भर्तियाँ कराई जा रही हैं, आपको पता ही है। और क्योंकि आईटीआई इंस्ट्रक्टर के जो अभी वैकेंसी आई है, अभी पुरानी वैकेंसी भी क्लियर नहीं हो सकी है 2015-16 की, और उसके बाद अब जो आपकी 2,406 पदों के लिए आईटीआई इंस्ट्रक्टर की आई थी उसका भी अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है। और लगातार आउटसोर्सिंग से वैकेंसी निकल रही है, क्योंकि अब क्योंकि आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो वेतन है वो कम देना पड़ता है और वेतन की वजह से, और इसलिए प्राइवेट टेंडर निकाल देते हैं ये लोग और 23,600 रुपये मंथली के हिसाब से इनको रख लेते हैं। नहीं तो अगर बात करें तो फिर अगर आईटीआई इंस्ट्रक्टर में जो गवर्नमेंट होते हैं तो उनकी तो आप सैलरी अच्छे से पता ही कितनी सैलरी होती है। तो इस तरीके से आईटीआई इंस्ट्रक्टर में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती आई हुई है। तो इसी तरीके से भर्तियाँ निकलती रहती हैं और मैं अभी कोई और अगर जानकारी मिलेगी और किसी डिस्ट्रिक्ट में आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो आई रही है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा, और किस ट्रेड से है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर अभी आपका जो ट्रेड है, अगर आपका सीटीआई है और आपका जिससे जिस भी ट्रेड से आपने कर रखा है तो ये अगर आपके पास है तो आप इसको अप्लाई ज़रूर करिएगा, क्योंकि वेतन ठीक है। अगर कहीं आसपास ही आपको मिल जाती है जॉब तो बहुत अच्छा होगा। वैसे तो गवर्नमेंट का भी देख ही रहेंगे कितना बुरा हाल है, और जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की है वो भर्ती आपकी 2015-16 वाली भी पेंडिंग है, तो कितना टाइम लग रहा है। तो उसके अनुसार तो ये सही है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कम 23 बेरोजगार की जगह पे कम से कम 23,600 रुपये मंथली मिलेगा। तो इस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं जो भर्ती आपकी आईटीआई इंस्ट्रक्टर अनुदेशक की जो आई हुई है, और वेतन आपको बता ही दिया है 23,600 रुपये है। तो आप ज़रूर इसको अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आवेदक हैं वहाँ आवेदकों की संख्या कम है और इंटरव्यू के माध्यम से आपकी ये जो भर्ती होगी, जो भी इंटरव्यू में पूछा जाएगा उसके अनुसार भर्ती होगी ये। तो अगर आप हैं तो आप ज़रूर इस फॉर्म को भर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट में ही अगर आपको मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात होगी। और किसी डिस्ट्रिक्ट से अगर आईटीआई इंस्ट्रक्टर की पोस्ट आएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा एक नया वीडियो बना के। तो 20 तारीख आपको बता ही दिया है कि अंतिम तिथि क्या है, तो अंतिम तिथि आपकी 20 जुलाई है, तो 20 जुलाई तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो वीडियो दोस्तों अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर लीजिएगा, अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।